रायबरेली के जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। हम आपको बताएं कि एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आरडीए ने सील किए छह अवैध निर्माण। मधुबन रोड, घंटाघर चौराहा, बेलीगंज व प्रभु टाउन में बड़ी कार्रवाई की गई है। हम आपको बताएं कि शहर में अवैध रूप से करवाए गए भवनों के निर्माणों पर गुरुवार को आरडीए ने डंडा चलाया है। डीएम वैभव श्रीवास्तव के आदेश पर आरडीए के अवर अभियंता ने घंटाघर, बेलीगंज, प्रभु टाउन आदि क्षेत्रों में छह अवैध भवनों को सील कर दिया है। सील भवनों को शहर कोतवाली पुलिस की अभिरक्षा में दिया गया है। हम आपको बताएं कि शहर में अवैध निर्माण कार्यों का चालान कर नोटिस भेजा गया था, लेकिन भवनों के मालिकों ने भवनों को वैध नहीं कराया। मामले में डीएम वैभव श्रीवास्तव के आदेश पर गुरुवार को अवर अभियंता धर्मेंद्र सिंह, धनेश कुमार आदि इंजीनियरों की टीम ने मधुबन रोड, घंटाघर चौराहा, बेलीगंज, प्रभु टाउन पर छह भवनों को सील कर दिया है। आरडीए के सचिव बीपी मौर्य ने बताया कि भवनों को सील करने के बाद उन्हें कोतवाली पुलिस की अभिरक्षा में दे दिया गया है। हम इस समय की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कल की कार्रवाई है। रायबरेली के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के कड़े तेवर नजर आ रहे हैं। आरडीए ने सील किए हैं छह अवैध निर्माण। मधुबन रोड, घंटाघर, बेलीगंज व प्रभु टाउन में बड़ी कार्रवाई की गई है। नोटिस चस्पा कर दी गई है और अवैध रूप से बनाए जा रहे निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। S7 की डेस्क रिपोर्ट।